शांति मौत में बैठना मतलब जीवन के लिए कभी कभी हानिकारक हो जाते, जीवन में कभी कभी एकदम चुप बैठना ना हानिकारक हो जाते। एक बार कथा आके लेकिन ऊपर से पहले एक बार जोर से जयकारा लगाओ तो एक बात बताऊं। तो जीवन में कभी कभी मोर रखना भी दुखदायी हो जाते हानिकारक हो जाते। एक जन ऐसे महाराज है सुखर अपन जजमान भर ले पूजा पंच कर के आवत रखे और आते ना तो जो जजमान रखे ते ना महाराज ला कहते हे महाराज मैं उरी ताल जोड़ दे हां तेला सुखर ना परब आखा ले दे की थे। अब उरी ताल ला भर के सुखर घर आते और घर आते महाराज जी ला कहते महाराज जी ये सुखर जजमान मन ना उरी ताल जोड़े एला पीस दे दे फिर जो करते और ये घर सुखर चारे बड़ा बना दे और चार फल से बड़ा उपहार नहीं बनना चाहिए। अब चार ठन बड़ा बनावे की चार ठन सुग्रह नहीं बनना चाहिए कि अरे महाराज जी सुगर पूरी ताला पीजोई पीजोई सुगर पीसी पीसी स्थान होकर बड़ा बनाए चालू करी बड़ा बना के महाराज चार ठन बड़ा बनाए के वही ही से और बना पारी सेठ घर आठ ठन। अब ये बेचारा टेंशन में आगे महाराज जी इधर रहा महाराज मन चार ठन बड़ा बनाए के ही से मैं आठ ठन बना पड़े अब कैसे किया जाए। तो मन में विचार करी ये मन में सोचे कि चलो ठीक है हमार महाराज 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 और महाराजी इला खा कर एक ठन सर तरफ लेबो का सर तो हम दोनों को एक मौन व्रत धारण कर लेबो और मौन व्रत धारण करे के बाद जे पहली बोली थी पांच ठन खाई और नहीं बोली तीन ठन खाई। ध्यान देना ही बात में ओमन सर तरह महाराज जी का सर था जे बोली पांच ठन नहीं बोली तीन ठन। अभी मन सर तलगी महाराज आते महाराज जी कहते महाराज जी बन के तोर बड़ा बन के महाराज के ठन बनाए आठ ठन तय कैसे किया जाए थोड़ा चार ठन के ले ठीक है महाराज मैं ठन सर तो सोचे हाँ एक काम कर दो हम दोनों को मौन व्रत धारण कर ले वो और मौन व्रत धारण करे के बाद जे बोली पहली बोली ते पांच ठन खाई और बाद में बोली ते तीन ठन खाई। अब ऐसा मन के विचार करके बढ़िया दोनों को चुप हो गए। सुबह तेरा रहा है सुबह दोपहर हो गए बड़ा जस के दस मारे रहा कटोरी में लेकिन खाद नहीं रहा है काबर जे बोली पांच ठन नहीं बोली तीन ठन। अब ये ध्यान देना है अब दोपहर ने शाम हो गए बड़ा जस के दस मारे है खाद नहीं है देखा बसे काबर जे बोली पांच ठन नहीं बोली तीन ठन। शाम ले आठ बज के तब वो बड़ा जस के तस मारे है महाराजी महाराजी दोनों महाराज महाराजी देख बड़ा ला कटोरी जस के तस मारे है लेकिन खाद नहीं है काबर ये बोलिए पांच ठन नहीं बोलिए तीन ठन। अब रात के बारह बज के दोनों को एक नींद पड़ गए और बड़ा जस के तस मारे है और बड़ा जस के तस मारे है रात ले सुबह हो गए गांव वाला मन विचार करते आज कैसे महाराजी ने अपन दुआरी में लिपई पोताई नहीं करे जी अगरबत्ती सुगंध नहीं आज जी कहीं अलहन हो गए का जी। तो ये बेचारा मन गांव वाला मन विचार करके जाते महाराज घर और महाराज घर जाकर दरवाजा खटखटाते महाराज उठ लगा महाराज सुन थे लेकिन बोला ही नहीं काबर जी बोलिए पांच ठन नहीं बोलिए तीन ठन। महाराज भलो कहीं नहीं कहा महाराज जी लग रहे महाराज जी उठ रहे वो महाराज जी भलो नहीं उठे काबर जी बोलिए पांच ठन नहीं बोलिए तीन ठन। अब दरवाजा खोल के देखते दरवाजा खुल जाते दरवाजा खुल जाते दोनों कोई सुते रही थे अगल बगल और सुते रही थे महाराज कहाँ पर था महाराज कहीं नहीं कहा काबर जी बोलिए पांच ठन नहीं बोलिए तीन ठन। महाराज जी के पांव पर थे महाराज जी पांव पर था वो कहीं नहीं कहा काबर जी बोलिए पांच ठन नहीं बोलिए तीन ठन। अब गांव वाला मन टेंशन में आ जाते दादा इसे महाराज और महाराजी कहीं नहीं कहा थे ये मन दुनिया छोड़ के रेंग दिशा वो दूसरों को चीजें सुना थे महाराज महाराजी न देखा थे महाराजी महाराज न देखा थे फिर कहीं नहीं कहा काबर जी बोलिए पांच ठन नहीं बोलिए तीन ठन। मन सर तपत है अब गांव वाला मन विचार करके भाई के दादा महाराज और महाराजी हमारे छोड़ के रेंग दी चला अब एक मन के अंतिम संस्कार की तैयारी करो अब कल सुनम तब हो सही नहीं कहा थे काबर जो बोलिए पांच ठन नहीं बोलिए तीन ठन। चैली वैली बंधा गे चैली
चैली वैली बधागे एक ठन चैली महाराज ला सुतादी एक ठन चैली महाराज ला आपस में दोनों देखे थे लेकिन कहा कुछ नहीं काबर जे बोली पांच ठन नहीं बोली तीन ठन अबे ती ले गए थे राम नाम सत्य है सब यही सत्य है महाराज देखे थे सुना थे लेकिन कहीं नहीं कहा काबर जे बोली पांच ठन नहीं बोली तीन ठन अतिथि शमशान घाट में लेंगे शमशान घाट में चीता तैयार हो गए और ताकाय जोन गरम होते वाला सुंदर करा थे महाराजी महाराज ला देखा थे महाराज महाराजी ला देखा थे एक दूसरा ला देख के स्माइल फेंका थे लेकिन दोनों दोनों का ही नहीं कहा काबर जे बोली पांच ठन नहीं बोली तीन ठन अब कोनो का ही नहीं कहा अब तैयारी हुई चीतम लेटाए के समझ लिया आदमी ते कहूं जलत चीतम सुताबे तक आही जिना काही करिए दादा अब महाराजी मन में विचार करी हे पता हमला जिया जिया चीतम लेटा स्वाद ही हम तो मर जबो काय करबो महाराज का कोचक थे महाराजी लंगते काय महाराजी ओ भते तीन ठंगाओ महाराज का बेबाक करो जब का जसवंत में जाए भागा रे दादा ये तो हमी मल्ला खाबो कहा थे महाराज तीन छल्ला खाऊ कहा थे महाराज पांच छल्ला खाऊ कहा थे लेकिन मन समझ नहीं पाते कि क्या खाबो कहा थे तहीकर से भी कहा था भगवान के दरबारे यहाँ चुप मत रहो जोर से जयकारा लगा फिर से बोले श्याम चंद्र जी